इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप जो है कि अपना फोन पे का 4 डिजिट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे जो है कि आप विदाउट पासवर्ड के फोन पे में लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आप एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। जब हम अपने फोन पे को बहुत दिन बाद यहाँ पे ओपन करते हैं या फिर किसी भी कारण से अपने फोन से सिम कार्ड रिमूव करने का जब दोबारा अपने फोन में सिम कार्ड लगाते हैं, तब आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ये फोन पे जो है आपका जो डिवाइस है मोबाइल उसको वेरीफाई करता है, तो आपको यहाँ पे बोला जाता है कि फिर से लॉगिन करने के लिए, तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस टू लॉगिन, तो यहाँ पे प्रोसेस टू लॉगिन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बहुत लोगों को पासवर्ड पता नहीं होता है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप भी पासवर्ड भूल चुके हैं अपना फोन पे का, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप देख सकते हैं अनदर लॉगिन ऑप्शन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन बाय सेंडिंग SMS, यहाँ पे चेंज मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है इस पे जो कि 5 डिजिट का OTP आएगा, अगर आपका सिम इसी फोन में लगा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोन पे ओपन हो चुका है। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिस भी फोन में अपना फोन पे का लॉगिन कर रहे हैं तो वो जो मोबाइल नंबर है आपका उसी फोन में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP के थ्रू मेरा जो कि फोन पे अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसेबल स्क्रीन लॉक के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, यानी जो आपका पुराना पासवर्ड है तो आपको याद नहीं है या फिर आप भूल चुके हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसको OTP आएगा। और यहाँ पे अगर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको OTP आपको देख लेना है कि आपको OTP क्या आया। और यहाँ पे OTP जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, उसके यहाँ पे बोला जा रहा है सेट ए न्यू 4 डिजिट पासवर्ड, तो आपको उसके बाद जो कि नया यहाँ पे पासवर्ड आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पे नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज, प्लीज लॉग इन पे अगेंस्ट लिख रहा है, आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड के लॉग इन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे भी पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड से आप इजीली तरीके से लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक, अगर आप हमारे इस वीडियो चैनल पे इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं तो रेड कलर का यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है।